डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह रहा है कि आदिराज एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है। पहली एंट्री आपकी क्या है, फर्नीचर ऑफ 70,000 वॉज सोल्ड 68,000, ठीक है, एंड ऑक्शनर्स कमीशन पेड 2,000। अब देखिए, कभी भी हम कमीशन को बेचते हैं, फर्नीचर को बेचेंगे तो वैल्यू है 70,000, बेचा गया कितने में, सेलिंग वैल्यू है 68,000। 2,000 रुपया हमने ऑक्शनर को, जो हमारी फर्नीचर को बेचवाने का काम कर रहा है, हम उसको कमीशन दे रहे हैं 2,000। यानी कायदे से देखा जाए तो हमको फर्नीचर से कितना मिला, 66,000। जब भी पैसा हमको किसी एसेट्स को बेचने से मिलता है तो आपको पता है पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। आपको पता है ये चीज, बीइंग फर्नीचर सोल्ड कितने में, 66,000 में। जो पैसा फर्म में आया है उतने से ही एंट्री करेगा, ऑक्शनर्स को कमीशन दिया इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है आपकी एंट्री नंबर सेकंड, आदिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वॉज सेटल्ड एट 37,500। यानी हमारे पास आदिराज को पेमेंट करना था, जो कि हमारा एक पार्टनर है, जो कि हमारे पास रियलाइजेशन नहीं जाता है, पार्टनर्स इनका लोन अलग से बनाते थे, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिएगा, आदिराज का लोन, ठीक है, सपोज हमारी लाइबिलिटी थी तो बाई बैलेंस बीडी, 35,000 का लोन था ये, ठीक है। सो हमको पेड करना था 35,000, लेकिन हमने इसको पेमेंट कितना किया, 35 प्लस क्या किया, 2,500 रुपये ज़्यादा किया, यानी 37,500 प्लस 2,500। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो डेबिट साइड देखिए ज़्यादा दिख रहा है और क्रेडिट साइड कम, इसका मतलब है कि फर्म ने 35,000 आदिराज से ले रखा था, पेड कर रही है 37,500। तो याद रखिएगा कि फर्म के लिए, फर्म के ऊपर क्या क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी, ठीक है। सो जब भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो फर्म लाइबिलिटी अपने ऊपर ले करके यहाँ लिखेगी बाई रियलाइजेशन 2,500। कैसे, हम ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, फिर से समझिएगा, 37,35 पेमेंट करना था लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, 37,500। जब भी फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, जैसे 2,500 की लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमको पेमेंट करना था 35,000 लेकिन वादा किया था हमने 37,500 ही पेमेंट करेंगे, तो 2,500 ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का हम पेमेंट करते हैं तो आपको ये पता है कि रियलाइजेशन डेबिट और टू क्या होता है, टू बैंक होता है, क्लियर, ठीक है। तो पहली चीज, आदिराज का लोन खत्म होगा, आदिराज डेबिट कितने से, 35,000 से, रियलाइजेशन जो एक बैंक, जो फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी आई थी, डेबिट 3,500, और हमने टोटल पेमेंट कितना किया, 37,500 बीइंग लोन पेड, पार्टनर्स लोन पेड 37,500। नेक्स्ट कह रहा है, आउट ऑफ द स्टॉक 80,000 करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहा है कि स्टॉक टोटल 80,000 का था, समझिएगा, ठीक है, स्टॉक था आपका कितने का, 80,000 का स्टॉक, ठीक है। थर्ड एंट्री है, टोटल स्टॉक की जो वैल्यू है 80,000 की है, 80,000। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि करंट टू कोवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट 20% व्हाइल रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। आपको पता है एंट्री कैसे पास करनी है, कोई भी पार्टनर यानी
दो भाग में इसको आप दो टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पहली चीज, स्टॉक को कौन टेक ओवर कर रहा है? करण। तो करण कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, ठीक है, टू रियलाइजेशन। आपको पता है कि कभी भी लेजर बना के देखिएगा रियलाइजेशन का, आपको पता लग जाएगा बीइंग स्टॉक टेकन बाय मिस्टर करण, यानी 40,000 का स्टॉक था जिसमें से वो कह रहा है 20% स्टॉक डिस्काउंट। यानी करण को हम जो स्टॉक बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 32,000। नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टॉक को हमने प्रॉफिट में बेचा है। जब रिमेनिंग स्टॉक को हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी जो रिमेनिंग स्टॉक है हमारे पास, यानी एंट्री बननी चाहिए, पैसा आएगा बैंक अकाउंट। हम एक साथ भी एंट्री कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हम अलग अलग एंट्री कर, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट है आपके पास, जो प्रॉफिट आ रहा है वो 30% का प्रॉफिट है, ठीक है। 40,000 का स्टॉक बचा, 30% कितना हुआ, 12,000, यानी स्टॉक को बेचा गया 52,000। पहले वाला स्टॉक था डिस्काउंट में, दूसरा वाला स्टॉक था 52,000, 30% और ऐड कर दीजिएगा। अब बिल्स रिसीवेबल 3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड, द एक्सेप्टर हैड बिकम इंस्टॉलमेंट एंड हेंस द बिल हैड टू मेट बाय द फर्म। अब ये जो पॉइंट है, कह रहा है बिल्स रिसीवेबल का एक पेमेंट था, ठीक है, जो डिसऑनर कर दिया गया, और जहाँ डिस्काउंट की बात आती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि हमने पैसा जो है वो बिल, जैसे अगर हम आपको समझाने के लिए बोले तो आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम एक बार फिर थोड़ा सा रिवर्स कर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में। आप यहाँ ड्रॉयर और ड्रॉई की एंट्री पोस्ट करते थे, आपको याद होगा अच्छी तरह, ये सेलर होता था और ये परचेज, सपोज ए है और बी है, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कौन से कौन किसको गुड सोल्ड कर रहा है, ए बी को गुड सोल्ड कर रहा है, यानी बी डेबिट टू सेल्स 10,000, ये क्या होगा ए डेबिट, ठीक है, सॉरी परचेज डेबिट, ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा टू ए 10,000, ठीक है। कौन किस पर बिल लिखेगा, ए लिखेगा बी के ऊपर बिल, कितने का बिल लिखेगा, टोटल बिल लिखेगा वो 10,000 का, बी आर डेबिट टू बी 10,000, और ए के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, तो क्या होगा ये बी डेबिट सॉरी ए डेबिट और टू बी पी 10,000 से, ठीक है। हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब हमने बी ने वादा किया कि हम आपको बिल का पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे, बिल लिखा कब गया था 1 अप्रैल को, ठीक है, अप्रैल मई जून 3 दिन ग्रेस, यानी 3 जुलाई को इसका पेमेंट मिलेगा, कौन देगा, बी देगा, ठीक है। अब इस बिल का पेमेंट जो है, समझिएगा बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बिल का पेमेंट किसको करना था, बी को, ठीक। अब डिस्काउंट की बात हो रही है, डिसऑनर की बात हो रही है, तो ए को पैसे की नीड थी, ए गया बिल को बैंक के पास गिरवी रख के और बोल दिया कि मैच्योरिटी डेट में बी आएंगे आपको पैसा दे करके बिल को रियलाइज करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, सेम डेट में ए ने क्या किया, बिल को पैसे की नीड होने के कारण ट्रांसफर कर दिया बैंक को और बदले में पैसा ले लिया। तो जब ए को पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और टू बैंक के पास क्या चला गया, बिल चला गया, 10,000 का था 100 रुपया सपोज ये उसको मिलेगा, ठीक है, ये पैसा काट करके बैंक दे देगी ए को, ठीक। मैच्योरिटी डेट में बी
इंसॉल्वेंट हो गए, वो पैसा नहीं दे पाए, तो इस केस में बैंक किसको पकड़ेगा? ए को, क्योंकि बिल का पैसा ए ने ले रखा था, समझिएगा, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या कि फर्म की तो लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि अब पेमेंट तो करना था बी को, चूंकि बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, खत्म हो गई, ठीक, उसकी कहानी नेक्स्ट। अब हमने ये कहा बिल जब बैंक पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? ए को पकड़ेगा और बोलेगा कि आपने जो आपकी कंपनी जो पैसा ले रखा था उसका पेमेंट भी। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम एक प्रॉब्लम आ गई, और ये प्रॉब्लम थी कि एक और लाइबिलिटी बढ़ गई बिल से रिलेटेड, जिसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। सो अगेन 3000 का जो हमारे पास हमारे ऊपर बर्डन बढ़ा वो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन डेबिट एंड टू बैंक, हमने एक लाइबिलिटी का और पेमेंट कर दिया जिसकी कॉस्ट क्या थी? 3000 रुपीज। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ डेबिट बैलेंस 56,000। आपको ये पता है सीधा सीधा कि कब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कहाँ रहता है? एसेट साइड में। तो पार्टनर्स को क्या करिएगा आप, क्योंकि वो पीएल जो रहता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड। तो हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो आप एंट्री बनाइएगा, पार्टनर को डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है, आधी राशि डेबिट, करंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस में बांट दीजिएगा, और टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है, ये ना तो रियलाइजेशन का लॉस है, ठीक है, ये ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस है। नेक्स्ट इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2000 विच वर पेड बाय आदिराज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है? आदिराज, तो उसको मिलना चाहिए, तो रियलाइजेशन डेबिट एंड टू आदिराज, ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितनी का रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड हुआ है? रुपीज 2000, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के, ठीक है।